पिछले कालांश में हमने यमक अलंकार के बारे में अध्ययन किया। यमक अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है सारंग में सारंग चली सारंग इस उदाहरण में सारंग शब्द सात बार आया है और प्रत्येक बार सारंग शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। देखिए सारंग ने सारंग से सारंग पहले सारंग का अर्थ है सारंग घड़ा घड़े को लेकर के सारंग ने सारंग चली सुंदरी या बड़ी नारी पानी भरने के लिए चलती है। जैसे ही वो तालाब के पास मंदिर के पास पहुंचती है तो सारंग को आ इस सारंग का अर्थ है कि बादल जो है वो आसमान में आ गए। तो तीसरे सारंग का अर्थ है बादल। तो सारंग ये सारंग चले सारंग को आए अर्थात घड़े को लेकर के घड़े को लेकर के सुंदरी जो है वो पानी भरने के लिए पनघट की तरफ जा रहे हैं। इतने में आसमान में बादल आ जाते हैं। बरसने वाले बादल आकर के सारंग में सारंग रहो तो सारंग की सारंग का अर्थ है घड़ा और घड़े में उसने अपनी ओढ़नी या पहनने का जो वस्त्र है उसको रख लिया ताकि भीगे नहीं। सारंग में सारंग रहो सारंग सारंग मारे और फिर पड़ियाली जो है सुंदरी जो है वो सारंग तालाब तालाब में पहुंच करके घड़े को भरने लग जाते हैं। तो इस सारंग के जो है वो छह सात अर्थ निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि यमक अलंकार में एक शब्द की एक से अधिक बार आवर्ती होती है पुनरावृत्ति होती है किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है वहां यमक अलंकार होता है। अब हम अध्ययन करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका होना। अर्थात किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो या किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए पानी गए न उबरे मोती मानस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ निकले और ये तीन अर्थ जो है वो इन तीन शब्दों के साथ चले से निकलते हैं। मोती के संबंध में पानी का अर्थ होता है आप चमक या तेज और मानस के संदर्भ में इज्जत और चून के संदर्भ में जल। इस तरह से पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। अर्थात मोती में अगर चमक नहीं होगी तेज नहीं होगा तो वो मोती किसी काम का नहीं। मनुष्य की अगर कोई इज्जत नहीं होगी तो वो मनुष्य की किसी काम का नहीं। इसी तरह से चून
डालेंगे तो उसका उपद्रव है कोई काम नहीं आ सकता। तो जिस शब्द में कई अर्थ के हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक दूसरा उदाहरण अजो तरह ही गए हो इस उदाहरण में देखिए अजो तरंगो ही रहो श्रुति सेवक एक रंग नाथ वासी बेसर रहो वसी मुक्तन के से कि इसमें करुणा शब्द में दो अर्थ है, श्रुति शब्द में भी दो अर्थ है, नाथ शब्द में भी दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ इन तीनों शब्दों में जो है श्लेष अलंकार है। करुणा शब्द का अर्थ है करण को, लेकिन इसके टुकड़े करने पर दो अर्थ और निकलते हैं करो करो ना जो तरह में संगति में रहेगा तो उसको भी मुक्त हो जाएगा, वो भी सफल को प्राप्त होगा।